ये तो रही 1000 ना, ये लाल मरकरी है, ये बढ़िया लग रही है, यही तो चीज़ है। बट कलर कलर अपन को चाहिए दूसरा भाई, ये भाई क्या कैसे लगी। Hey guys, welcome back to the new vlog. I hope you guys doing well. आपका तो सेक्सी ये देखो जी, अपने साथ मैं कह रहा था गुलाटी यहाँ खड़े हैं फिलहाल तो देखो, और ऋतिक अपने साथ, और गुलाटी के गाइस ना पैर में लग रही है, अभी हम शूट स्टार्ट करने वाले हैं तो उसको कॉल करके बोलूँगा कि क्या सीन है, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो जी अभी जा रहे हैं आई थिंक करोल बाग या फिर उस साइड पर ही है BMW का शोरूम, अपन लोकेशन लगाएंगे और वहाँ चल रहे हैं BMW पर और देख कर आते हैं 1000R, और अगर सही लगी तो समझ रहे हो आगे की जितनी भी है फॉर्मेलिटीज वो कंप्लीट करके अपा ले लेंगे। देखो ये है लुईस वेल्टन का चश्मा, लुईस वेल्टन नॉट लुई वितों, ये चीज़ जो है मेरी बनाई हुई है लुईस वेल्टन, मेरे को वैसे प्रनाउंस करना नहीं आ रहा था पहले। अपन ने महंगे नहीं पहने, नहीं है ना महंगे महंगे चश्मे, वही पहने 200 वाले, तो अभी महंगा था ले लिया। अब इसकी बेइज्जती कर रहे थे लोग मेरे को मेरी बेइज्जती कर रहे थे इसका नाम पढ़ाने के लिए, मैं कह रहा LV मैं कह रहा LV। ऋतिक मैं ये कह रहा हूँ अपन जैसे चल रही BMW तो कार वाला नहीं है वो, बाइक वाला है, तो तेरे को कार और देखनी है तो कहीं और जाना पड़ेगा मेरे भाई, फॉर्चुनर लेनी है भाई। इसके पापा ने पता नहीं कौन सा प्रॉमिस कर दिया इसको कि तू ना पतला हो जा तेरे को थार दिलाऊंगा, ये देख कितना मोटा है। इसके पापा भी सोच समझ के जैसे ही पतला होगा ना सब बोलेंगे चल तेरी तल्ले निकल यहाँ से, मेरा मोटिव यही था तुझे पतला करने का, अब गाड़ी घूट दे तेरे को बहाना था, अब ये बोलेगा अच्छा अभी देखो दबा के खाता हूँ वापस मोटा होऊंगा, मेरा पागल बनाया फिर दोबारा मोटा हो जाएगा। बाकी इसके पापा ठीक है दिला देंगे, वो टेंशन नहीं लेते ज़्यादा, गाड़ी भगानी पड़ेगी पीछे से मेरे को ओरन आ रहा बहुत तेज। बाकी इसके पापा कह रहे हैं दिलाऊंगा देखते हैं भाई। अपन ये NSP के लिए सबसे पहले जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो हमारा माइक है ना वो रिपेयरिंग के लिए देना है, उसके बाद अपन जाएंगे करोल बाग मोटर यार्ड BMW। और तेरी कौन सी फेवरेट है वैसे? निंजा। तुझे निंजा पसंद है? BMW 1000R तुझे कैसे लगती है जो भी देखने जा रहे हैं? वो इतनी अच्छी है और जीनो उससे बढ़िया, उससे वो तो कावासाकी है। हाँ तो वो नेकेड नेकेड आती तो उसमें ही है भाई, नेकेड बहुत बढ़िया कार, बहुत बहुत ही सेक्सी लगती है भाई वो उसकी आवाज़, एक तो मेरे को निंजा की जो आवाज़ है ना, निंजा की आवाज़ सेक्सी लगती है भाई। माइक सबमिट के लिए आए हुए थे तो ऋतिक ने मेरी चप्पल देख ली, ये ना गंदी हो रखी, कह रहा भाई कपड़ा तो मार के ले आएगा उसके ऊपर, वो जब आप उसके अंदर घुसोगे ना तुम ये शोरूम के अंदर तो वो घुसने नहीं देंगे, बोलेंगे कहाँ जा रहे कर लेंगे कैसे करना भाई, जो यूँ कहेंगे गाड़े लो भाई साहब कहाँ जा रहे हो, ऐसा करो थोड़ा बाहर निकलो। मैं कह रहा हूँ ऐसा तो उनका बाप भी नहीं करता, अगर नंगे पैर भी चला जाऊँगा ना तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे वो। बाकी अपन चप्पल साफ कर लेंगे भी सही है भाई, इसकी बात भी वैसे सही है यार, रहन देते देख लेते हैं कौन रोकता है साड़ा, बिना चप्पल साफ कर चलेंगे भाई। सबमिट कर रहे हैं और चल रहे हैं। तो गाइज हमने ले लिया है वायर और वो आज में सही हो गया, मुझे लग रहा था रिपेयरिंग के लिए देना पड़ेगा बट वो वायर थी इसलिए हमको वायर टाइम पर मिल गई और हमने ले ली, और हम जा रहे हैं पटेल नगर और चलते हैं वहां पर और पूछते हैं क्या क्या प्राइस है, मतलब इंक्वायरी लेते थोड़ी सी ना लेने से पहले करना पड़ेगा। और मैं अभी जब आ रहा था ना तो मेरी कनिका से बात चल रही थी कि मैं वहाँ जा रहा हूँ मोटरयार्ड BMW, तो कहती सही है बेटे तुम कुछ भूल रहे हो, मतलब मैं बोला किसको भूल क्या 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 भूल रहा हूँ मैं, कहती कोई बात नहीं बेटे कुछ तो भूल रहे हो तुम, मैंने कहा नहीं नहीं ऋतिक को लेकर जा रहा हूँ मैं वो अपने लिए बोल रही थी, और वो घर पर है और वो ना थोड़ा काम कर रही थी, वो ना कपड़े धो रही थी घर पर, और उसने मुझे बोला कि कपड़े धोकर, मतलब उसने मुझे बोला मैं कपड़े धो रही हूँ, तो मैंने बोला गुड कपड़े धो हम घूम के आते हैं कितने बढ़िया है ना, बट उसने मुझे टॉन्ट मार दिया है कि हम तुम अकेले जा रहे हो। बट कनिका मैं तुमसे बोल रहा हूँ मैं पिक करने वाला हूँ, कनिका को मैंने बोल दिया शाम को तुम्हें पिक कर दो जाऊँगा, अभी तुम कपड़े भी धो क्योंकि साफ सफाई इंपॉर्टेंट है, हम तो देखो वेले बंदे हैं नहा धो के घूम रहे थे, कुछ कपड़े वपड़े धोने नहीं होते हमको। शिट यार सॉरी बोल दो तुम, सॉरी गाइस गाइस नहीं दीदी को सॉरी कनिका। तू कपड़े धोते रहे धुल के कपड़े? हाँ धुले पड़े। किन्ने धोए? मम्मी ने? यही तो बात है कन्हैया की, भाई वॉकिंग है तो वो धो नहीं पाती तो इसलिए कन्हैया को धोने पड़ते हैं, और वो ऐसे भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं तो इसलिए वो खुद धो रही है, देख ले तारीफ भी करती हाथों हाथ ऐसे बच जाता हूँ मैं, मार देना दीदी मार देना तो चलो चलते हैं अब एक काम करते हैं निकलते पटेल नगर और वहाँ पर चेकआउट करते हैं शोरूम में और देखते हैं क्या करना है, ठीक है जी चलो भाई। ये पहुँच गए अपन, यही है क्या? यही तो रहा, यही है
वाला भाई, ये रहा BMW, और अभी गाड़ी यहीं लगाएंगे और इसी के आगे लगा दो भाई, मुझे लग नहीं रहा इस वाले पे वो जो अपन लेना आया मिलेगी। ये तो खड़ी हुई सामने, अबे आ जाओ। किस सारों को लेके आए हो तुम? मैं अकेला आया हूँ। इस पैंट दे रहा था तेरे को, क्या आ जाओ सर। कौन सी है? ये वाली लेने आए क्या हम? हैं ये वाली? ये तो पुलिस वाली है, बहुत ये तो मेरे साइज से बहुत बड़ी है। ये अमेरिका के जो पुलिस वाले ना वैसी लग रही है। सारी 310 खड़ी है यहाँ पे। यहाँ पर 1000 R जो है वो अवेलेबल है ही नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है। अभी स्टाफ ने बोला है कि वेट करो कोई आएगा। पानी ऊपर किया है मैंने खुद को क्योंकि अभी कोई आया नहीं भाई, मैं जिससे बात कर सकूँ कि क्या लेनी है एक्चुअली क्या लेनी है। तुझे पता है जो हम बेसिकली जो हम देखने आए हैं वो यहाँ पर खड़ी भी नहीं है क्योंकि सारी 310 इधर से वो खड़ी है, लो मॉडल्स खड़े हैं सारे, और जो देखने आए हैं ना 1000 R वो है ही नहीं। लेनी कौन सी है? 1000 R भाई, उससे नीचे तो मेरी गांडें टिके तो भाई चलो वेट करते हैं और भैया कैसे आएगा कोई, इससे बात करते हैं जी। मैं अपनी लेने नहीं आया, मेरी एक्चुअली वो है इवेंट है, एक EPL एंटरटेनमेंट प्रीमियर लीग A.M, तो उसके लिए मैन ऑफ द सीरीज के लिए गिफ्ट लेने आए हैं। अच्छा? 310 RR गिफ्ट है ये, मैन ऑफ द सीरीज जो बनेगा खेल लो क्रिकेट खेल लो बन जाओ। अच्छा क्रिकेट में दे रहे हो? हाँ, क्या बात है। EPL क्रिकेट लीग है। अच्छा A.M, ये तो बहुत बढ़िया खेल रहा है क्रिकेट है कोई सर्विस फिर बंदा वो योगेश वगैरह क्रिकेट खेलता है। योगेश खेल रहा है। 310 मिलेगी डायरेक्ट, बहुत बढ़िया भाई जी। लेकिन बहुत बढ़िया इवेंट कर रहे हो यार, ऐसे फ्री में नहीं दोगे क्या? जैसे क्या बोल रहे हो, कितना लाख की है ये? 314 बढ़िया बाकी ये 1000 R तो दिख भी नहीं रही मुझे यहाँ पे। वो S1000 हाँ S1000 R वो जो सबसे पहले रेड वैली है वही तो है S1000 R वाइट रेड वैली सबसे स्टार्ट खड़ी है यार। देखी नहीं मैंने ये भैया वीडियो देखते हमारी हाँ देखी थी एक दो बार आते। मुझे पता क्या लगा भाई, कह रहे भैया अभिषेक को, मुझे लगा चलो ठीक है ब्लॉग के लिए तो डन हो जाएगा, काम करा देंगे मैंने, बट इनको खुद लेना था इवेंट में जा रही है। देख रहे हो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करो और 310 जीतो, 3 लाख रुपये की बाइक है। कौन सी गेम है ये? बहुत स्पीड से है भाई ये, बहुत बकलैंड गेम खेलते हुए जब तक हम फ्री हैं तो BMW वाले वैसे भी ब्लॉग नहीं बना रहे थे रे भाई। ये तो रही 1000 R, ये लाल मरकरी है, ये बढ़िया लग रही है, यही तो चीज़ है। बट कलर अपन को चाहिए दूसरा भाई, ये बाइक है कैसे लगी? बढ़िया भाई। ये देख रहे छोटी सी बाइक, मेरा लड़का होता ना उसको दिलाता ऐसी भाई, पक्की बात है। क्या चीज़ तो बहुत बड़ी है, हेलीकॉप्टर है ना साला, इसे बैठ के बंदा उड़ सकता है। देखो इसमें मोड़ देखो कितने सारे, बहुत सारे भाई अंधे मोड़ है इसमें। तेरे ऐसे बंदे पे जचेगी इंजन है, हेलीकॉप्टर का इंजन है भाई, बहुत तगड़ी तगड़ी चीज है। लेने वाले अपनी गाड़ी वहाँ चल रहे हैं और ये अपन को मिल चुका है, इसके अंदर मैं पूछताछ वगैरह कर सकता हूँ, जो भी मुझे इंक्वायरी लेनी है कर सकता हूँ, ये मुझे दे दिया। आवाज कैसी आ रही थी भाई? जो M Sport था ना, जो मतलब बेसिकली सोच रहा था वो ज़्यादा महंगी है स्टैंडर्ड से, बट ठीक है जो प्राइस हमारे लिए महंगी है, जिनको लेनी है उनके लिए तो महंगी थोड़ी है वो, बाकी देखते हैं भाई वो ले सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सर्विसिंग के लिए ना बहुत सारी बाइक आ रखी है भाई, पीछे सर्विसिंग चल रही है और वो जब रेप दे रहे हैं ना बाइक के अंदर, बहुत सेक्सी लग रहा है, बूम बूम बूम। एक बार तो चलानी है, एक बार क्या ये लेकर आएंगे साड़ी लेकर आऊँगा, ये लेके जाऊँगा जब तक मेरे को समझ नहीं आएगा। तो एक बार अपन एक काम करेंगे, एक दो शोरूम और चेकआउट करेंगे डुगाटी का और कावासाकी, तो अभी वो भी चेकआउट करना है, उसके बाद देखते हैं गाइस क्या कर रहे हैं। अभी अपन बाकी चल रहे हैं, हमने जो ये ले लिया ये अपना पेपर वूपर, फिलहाल यही ले सकते थे जो ले सकते थे हमने ले लिया, जो किया सबसे सस्ता यही मिला, सबसे सस्ता जो मिला ये पेपर और एक पानी की बोतल वो मिलेगी। अब सब चीज़ महंगी है यहाँ पर, इससे सस्ता कुछ नहीं मिलेगा गाइस। 28 लाख रुपए की M Sport, 24 सोच रहा था 28 की निकली है भाई, वो मेरे को 24 लग रही थी, मैंने इवन गूगल पे चेक किया भाई, बड़ी महंगी है भाई ये तो,
सोचना पड़ेगा कौन सा किस तरीके देखनी है। भाई पटेल नगर से निकल चुके हैं, अभी मैं जा रहा हूँ द्वारका। और एक बहुत सही बात बताऊं तो मैंने कॉल करा ना कनिका, कनिका कहती देखिए चीकू टोटो को भी लेकर आ रही हूँ। और मैं बस यही सोच रहा हूँ चीकू टोटो आएंगे तो ना जो टोटो की गांड है ना वो टीनू के मुंह पे रखवा दूं मैं। मतलब अभी बस कनिया के पास जा रहे हैं और उनको पिक करते हैं चीकू टोटो, वो वॉक पे गए हुए हैं कनिया के। थोड़ा धीरे धीरे आना धीरे धीरे। मैंने कहा मैडम देखो अपन बिल्कुल आएंगे अपनी स्पीड में, जैसे हम चलाते हैं 40 की स्पीड में। तो अभी पहुंचते हैं कनिया के पास एंड देन निकल रहे हैं फ्लैट, कल करेंगे शूट। ठीक है जी, चीकू टोटो इन द हाउस गाइज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, खाना खिलाना पड़ेगा ऋतिक आपको। हाँ तो खिला देंगे भाई, कितना बढ़िया ऋतिक ना। तो चलो पहुंचते हैं और पिक करते हैं। कनिका आ गई और चीकू टोटो भी आ गए गाइस। इनका नहाना है वहां जाके। अच्छा नहीं, नहीं इनका शैम्पू वगैरह ले लिया। हाँ। ये देख इसको, देख इसको, देख इधर आइयो ए चीकू। करो एडजस्टमेंट थोड़ी दिन की, मैं कह रहा हूँ अभी लेके चल रहे हैं इनको, फिर टोटो का ना टोटो की गाड़ना आराम के मुँह पे धर देंगे। फिर टोटो बोलना टोटो प्लीज फार्ट, वो कर भी देगा, कराना ही तो है ये रहा टोटो। ऋतिक को दे दो। नहीं नहीं अबे आ ले, चीकू को दे दो, चीकू को। चीकू बहुत बढ़िया, तू ले ले इसको। कोई नहीं चीकू को पकड़ लूंगा, इसके हाथ पर दर्द हो रहा है, चीकू को एक दवाई खिला दे, सब बिठा दे। कोई नहीं चीकू का, ए गाइस ये बैग पीछे डाल दूं प्लीज। डाल लो भाई। हां भी और क्या, फोटो के साथ भाई। मोमोज चल रहे हैं, एक चीज दिखाऊं तुम्हें। हियर आई कम, हियर आई कम। ओ सड़ी के तुमसे तेज दांत है मेरे, खाना नहीं दोगे तो मेरा हाथ चबा जाऊंगा। अब चल रहा मूवी देखने, पता कौन सी 99 रुपए में, जिस दिन जाएंगे ना सारे चल भाई। तो मैं मार रहा हूँ रिलैक्स, क्योंकि ना दिमाग के ऊपर ना अमीरी चढ़ गई है तुम्हारा भाई। भाई इतनी महंगी महंगी बाइक देख कर आया हूँ, 24 लाख की तो स्टैंडर्ड थी, 28 लाख रुपए की थी एम स्पोर्ट, जो मुझे लग रहा था 24 की होगी, बट वो और ज़्यादा की है, तो बजट से थोड़ी बाहर जा रही है अपने जो बेसिकली बाइक का बजट जो सोच के चल रहा था मैं। बट तो मैं बस थोड़ा सोच रहा हूँ कि एक बार डुकाटी और कावासाकी निंजा भी एक्सप्लोर कर लूँ, एक बार उनके शोरूम भी चेकआउट कर लूँ, उनकी चीज़ें देख लूँ क्या क्या है। बाकी देखते हैं BMW तो बाकी सेक्सी थी भाई, जो स्टैंडर्ड खड़ी थी बहुत बढ़िया थी। एम स्पोर्ट देख नहीं पाया, एम स्पोर्ट जैसे देखेंगे ना अपन फिर आ जाएगा मज़ा। तो एम स्पोर्ट देख नहीं पाया, एम स्पोर्ट दिखती ना उसकी रेप देने में बड़ा मज़ा आता भाई। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक दो दिन और चेकआउट करते शोरूम्स में और कावासाकी निंजा एंड डुकाटी एंड कावासाकी निंजा एक बार ये देखते हैं एंड देन डिसाइड करते हैं कौन सी लेनी है। जब तक गाइज आप बने रहो, आई होप यू गाइज लव द व्लॉग और मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट व्लॉग करने, जब तक के लिए आई लव यू ऑल।